दमोह जिले के जवीरा थाना अंतर्गत सिग्राम पर चौकी के एक गांव में करीब 5 माह पूर्व एक अज्ञात युवक का नरकंकाल रूपाई शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम करके जब जांच की थी तो मृतक की पहचान कटंगी थाना अंतर्गत एक गुम इंसान युवक के रूप में हुई थी। बाद में DNA जांच के बाद में उपरोक्त युवक की पहचान हुई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल में एक युवक तथा युवती को मामले में गिरफ्तार किया गया है तथा पूरे मामले का खुलासा तंदुखड़ा SDOP ने करते हुए बताया। इसको एक नरकंकाल बूढ़ा गोबरा चौकी संग्रामपुर के अंतर्गत डिटेक्ट हुआ था, उस पर हमारे तत्कालीन चौकी प्रभारी SR रिछारिया के द्वारा मर्ग कायम करके मर्ग क्रमांक 44/23 की जांच प्रारंभ की गई और उसकी जैसे ही डेड बॉडी मिली थी उस सूचना पर उसको पता किया गया। आसपास के जिले से लगा हुए जबलपुर जिले में कटंगी थाने से संपर्क किया गया तो कटंगी थाने में गुमन सांग क्रमांक 27/23 कायम हुआ था, तो उसकी तलाश के लिए उसके परिजन जो गुमा हुआ था लड़का सत्येंद्र उसके परिजन साथ में आए और उन्होंने जैसे ही देखा तो उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद प्रथम दृष्टया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा ही बच्चा है सत्येंद्र और कड़ा और कपड़े देख करके उन्होंने पहचान की थी, लेकिन उससे 100% पुष्टि न होने की वजह से उसका PM कराया गया और उसका DNA सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेजा गया और वहां से DNA सैंपल की जांच कराई गई। जांच कराने पर पाया गया कि यह मृतक सत्येंद्र का ही नरकंकाल है और उसके आधार पर साइबर सेल और अन्य चीजों साक्ष्य के आधार पर 2 आरोपी इसमें सामने आए हुए हैं। प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें मोहन काछी पिता लल्ली काछी उम्र 23 वर्ष निवासी नई बस्ती कटंगी का और इसकी जो प्रेमिका है शीतल और बिट्टू डाटर ऑफ तरंग लोधी उम्र 19 वर्ष निवासी कटंगी की ये दोनों के द्वारा मिलकर के षड्यंत्र पूर्वक इसकी हत्या बूढ़ा गोबरा के जंगल में कर दी गई है।